हेलो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है 2019 के जेई मेन में पूछा गया है 11 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में। सो देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर दिया हुआ है उसको, और वहाँ मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एक्स कॉमा वाई, दैट इज 1,1 अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ ध्यान रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन, मतलब जब चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट किया जा रहा है ओरिजिन से जब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 1,1 पर, तब आपसे पूछा गया कि आप बताइए यहाँ पर वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बच्चों जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग वर्क डन क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ओके, और हम लोग डी डब्ल्यू एफ को क्या लिखेंगे, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। डी आर वैक्टर को हम लोग एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, तो हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है बच्चों। ओके, डी डब्ल्यू चार्ज कांस्टेंट है बाहर रखिए, फिर आई कैप, आई कैप ये दोनों आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं, 2 dx इंटीग्रेशन। अब ये एक्स एक्सिस में कहाँ शिफ्ट हुआ है, तो 0 से 1 तक, फिर 3 dy और इसमें शिफ्ट हुआ है 0 से 1 तक y में भी। सो आपको देखिए कितना मिलेगा, क्यू इंटू 2x 0 से 1, यहाँ पर क्यू कंप्लीट में मल्टीप्लाई है, सो क्यू इंटू 3y 0 से 1। तो देखिए ये हो जाएगा क्यू इंटू 2, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे आप, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना मिलेगा बच्चों हम लोगों को, 2q प्लस 3q, दैट इज 5q। तो जो टोटल वर्क डन है ना, जो टोटल वर्क डन है बच्चों, वो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से 5q। ओके, सो 5q विल बी द राइट आंसर।